हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी लॉ की वीडियोस को। और हम हैं चैप्टर नंबर 11, टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और पेज नंबर 30। थोड़ी सी एनर्जी डाउन लग सकती है क्योंकि अब इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं प्रैक्टिस के जिसमें मैं काम करता हूँ, तो उस वजह से मंडे टू फ्राइडे बहुत ही कम वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाता हूँ मैं। तो कोशिश ये रहती है कि भाई वीकेंड पे, सैटरडे संडे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लूँ, और आज कुछ ज़्यादा ही कवर कर लिया है। तो उस वजह से तो प्लीज़ ये मत सोचना कि भाई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, तो इंटरेस्ट तो है ही। मैं तो पढ़ा रही रहा, बस आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट। कि भाई स्टूडेंट हमेशा यही चाहता है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारी 100% चीज़ें भी कवर हो जाए, कोई शॉर्टकट तरीका भी ना हो कि कोई कुछ हमने छोड़ दिया, कोई कुछ एग्जाम्पल ना किया, कोई क्वेश्चन हमसे रह गया, वैसा ना हो। तो एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो फिर हमारे दिमाग में सारा खेल वो जो 3 घंटे में होता है वो दिमाग का ही होता है। कई बार क्या होता है, हमें ये लगता है यार कंटेंट तो बहुत कुछ है लिखने का, लेकिन राइटिंग धीरे हो जाती है, तो राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर हमें लिखना तो है लेकिन हमें कंटेंट ही याद नहीं आ रहा। तो कंटेंट के लिए क्या होता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स किसी चीज़ को रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। मुझे याद है कि जब एक सर ने 25 आवर्स का एक थ्योरी पोर्शन की वीडियो बनाई थी उन्होंने, और 18 आवर्स के प्रैक्टिकल की वीडियो थी, तो मैंने 25 आवर्स और 18 आवर्स को लगभग 5 से 6 बार मैंने किया था। और जबकि उनसे मैंने रेगुलर क्लासेज भी परचेज कर लिए थे, लेकिन वो रेगुलर क्लासेज 180 आवर्स का था, तो मैं एग्ज़ाम के टाइम में 180 आवर्स पूरे करता तो, या फिर उन रिविजन लेक्चर्स को जो 25 घंटे 18 घंटे मैंने ऑलरेडी 3-4 बार सुना हुआ था उस पर ध्यान देता। तो मैंने क्या किया, वो क्लासेज मैंने किसी दोस्त को दे दी जब मैं CA बन गया, कि भाई ले अब मैंने तो इसको यूज़ ही नहीं किया। वो भाई भी फाइनल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और फिर मैंने उसी को बार बार रिपीटेड किया। तो कहने का मतलब यह है कि आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से ज़रूरी है कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है या जो पढ़ रहे उसे बार बार करना, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में क्या होता है ना कि ऐसा लगता है यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है, यार ये तो हमने देखा हुआ है, लेकिन लिख नहीं पाते क्योंकि हमने उसको बार बार रिकॉल नहीं कराया। और हमारा दिमाग बार बार जिस चीज़ को रिकॉल करता है, लिखता है, मिस्टेक्स करता है, फिर उसको करेक्ट करता है। कई वीडियोज़ में ऐसे भी होते हैं कि हाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, फिर बाद में उसको करेक्ट करूँ, तो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल रिकॉल करने में ईजी रहती है। हाँ यार याद है इसमें हमने ये गलती की थी, अब ये पेपर में आ गया है, तो वहाँ गलती नहीं होती है। मेरे साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी ये होते थे कि यार मैं टेस्ट में मैंने ये गलतियाँ की थी, सम करने में गलत हो गया था मेरे से, या एक फॉर्मूला कुछ छूट गया था, और वो पेपर में जब बैठा तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही है। भाई ये तो यही क्वेश्चन आ गया, इसमें ये गलती नहीं करनी, इसमें ये गलती नहीं करनी, ठीक है ना। और पहला ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि भाई 60 तो किसी हाल में मतलब स्कोर करना ही है, 40-40 के बारे में मत सोचो, 40-50 के बारे में मत सोचो, क्योंकि 50 सोचने वाले 40 सोचने वाले पास नहीं होते एग्जाम में। 60 के लिए सोचो, मिनिमम 60 तो स्कोर करना ही है किसी सब्जेक्ट में, तब बहुत हाई चांसेस हैं कि आप वो 50-50 वाली सिचुएशन में रहो कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, फिर आप बोल पाओगे हाँ भाई 70% 80% चांस है एग्ज़ाम निकालने का, या 100% चांस है एग्ज़ाम निकालने का, क्योंकि अपने को 60-65 या 70 के बारे में हम सोच रहे होते हैं। अगर आपके 60 बन रहे हैं, एक्चुअल में 60 बन रहे हैं, तो आपके इंस्टीट्यूट भी 55-56 नंबर दे देती है, लेकिन अगर बनी आपके रहे हैं 40 तो इंस्टीट्यूट नहीं देती 40, है ना। तो ये सोचो कि आपके 60-65 बने हर एक पेपर में, ताकि आपके जो स्कोर रहे वो 55-60 के आसपास रहे, और फिर अच्छे से पास हो जाओ। चलो चलते हैं जी, ज़्यादा ज्ञान हो गया, जो कि मैं अवॉइड करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं होती है, कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो जाए। तो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 4। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, भैया कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, उसके प्रोविजंस के हिसाब से बताओ, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी कंसिडर्ड एज कंपनी। क्या इस कंपनी को क्या इन कंपनीज को फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं। पहला, रेड स्टोन लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। रेड स्टोन लिमिटेड एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है सिंगापुर में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट्स एंड एग्जीक्यूट्स बिजनेस डिसीजन एट दियर बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। अब बोर्ड मीटिंग इंडिया में हेल्ड हुई है, और वहीं पर वो डिसीजन ले रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो बोर्ड मीटिंग इंडिया में कैसे हेड हो गई, किसी ना किसी इसका मतलब बोर्ड इंडिया के हैं। नाउ सेकंड, जैन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड इन दुबई, कंपनी रजिस्टर्ड है दुबई में, हैज़ इंस्टॉल्ड इट्स मेन सर्वर इन दुबई, दुबई में ही इंस्टॉल भी कर दिया मेन सर्वर फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट इन इंडिया, और इंडिया में उसके क्लाइंट है, तो बिजनेस तो इंडिया में कर रहा है वो, तो मुझे तो लग रहा है दोनों ही केस में फॉरेन कंपनी डिक्लेयर कर देंगे। चल तो चलते हैं, पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर कहाँ गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर में उन्होंने बता दिया कि फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होती है बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होता है, या फिर वो किसी एजेंट के थ्रू फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में काम कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करे किसी भी तरीके से, उसे हम फॉरन कंपनी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब डिजिटली वर्ल्ड में जाके आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अब जैसे इनमें इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब कोई भी ऐसी सर्विस, डाटा इंटरचेंज की सर्विस, डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन की सर्विस आप दे रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो डिपॉजिट, और डिपॉजिट किसी को दे रहे हो, सिक्योरिटीज किसी को दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो इंडिया और इंडिया के सिटीजन को, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स करवा रहे हो, वेब बेस्ड मार्केटिंग करवा रहे हो, डाटाबेस सर्विसेज दे रहे हो, प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो, टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड इसमें आ जाता है, ऑल रिलेटेड डाटा कम्युनिकेशन सर्विस, इसे इलेक्ट्रॉनिक मोड बोलेंगे। नाउ वेदर कंडक्टेड बाई ई मेल, मोबाइल डिवाइसेज, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज, क्या ये भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में माना जाएगा? क्योंकि इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है। देखो इन द गिवन सिचुएशन रेड स्टोन लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, इट डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, उसको प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, चाहे वो एजेंट हो या फिजिकली हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, और ना ही वो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करे। सिर्फ बिजनेस, सिर्फ बोर्ड मीटिंग होल्ड करना इंडिया में और बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना, उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए रेड स्टोन लिमिटेड को हम फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे। नाउ सेकेंड में देखते हैं, इन द गिवन सिचुएशन जो जैन लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है वो दुबई में रजिस्टर्ड है, मेन सर्वर भी दुबई में है, वहीं पे ऑफिस और सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं वहीं पे, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग से इंडिया के क्लाइंट को काम करके दे रहे हैं इंडिया के क्लाइंट के लिए। दस इट कैन बी सेड दैट जो मेसर्स जैन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है उसका बिजनेस प्लेस है इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, ये इसको हम बोलेंगे। हैंस जैन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक फॉरेन कंपनी कहलाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, एब्रोड लिमिटेड ए फॉरेन कंपनी विदाउट एस्टेब्लिशिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एब्रोड लिमिटेड एक विदेश फॉरेन कंपनी है, उसने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं किया, प्रोपोजेस टू इशू प्रोस्पेक्टस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया, और वो प्रोस्पेक्टस प्रपोज कर रही है कि वो हम ना प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं इंडिया में, सब्सक्रिप्शन इशू कर इंडिया के बंदों को शेयर देना चाहते हैं। नाउ बीइंग अ कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी, आप कंपनी के कंसल्टेंट हो, एडवाइस करो वो प्रोसीजर जो प्रोस्पेक्टस को लेकर है। एज पर सेक्शन 389 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और to be incorporated outside India, whether the company has or has not established, or when firm will or will not establish a place business in India, unless before the issue circular distribution of the prospectus in India, copy thereof certified by the chairperson of the company and two other directors of the company have been approved by the resolution of the managing body, has been delivered for registration to the registrar and the prospectus states of the face of it that a copy has so been delivered and there is endorsed on attachment of copy the consent of the issue of this prospectus required by the section 388. Such documents may be prescribed under rule. Accordingly, the abroad limited foreign company shall proceed with the issue of prospectus in compliance with the above. कि भाई ऐसे तो कोई कर नहीं सकती है, कोई कंपनी, कोई पर्सन जो सर्कुलेट नहीं कर सकती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कोई प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं कर सकती है कि आप सिक्योरिटीज इंडिया में लो, चाहे वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया में, तब तक नहीं कर सकती है जब तक इसको अप्रूवल ना मिल गई हो, जब तक इसने अप्रूवल ना ले लिया हो अपने रजिस्ट्रार से, जब तक उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को ना भेज दें, जब तक उसके रूल 11 को फॉलो ना कर लिया हो। तो अगर इसने ये सब किया है तो फिर कंपनी कर सकती है। तो वही लिखना है सारे के सारे रूल की भाई चेयरपर्सन जो कंपनी होगी, जो डायरेक्टर है, वो रेजोल्यूशन देके अप्रूव करा लेंगे और फिर अप्रूवल के बाद वो रजिस्ट्रार को सबमिट कर देंगे कि हम प्रोस्पेक्टस, ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, और रूल 11 को फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद कर सकते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सिक्स, जैक्सन एंड जैक्सन एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड इन जर्मनी। जैक्सन एंड जैक्सन एलएलसी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है? जर्मनी में हुई है। इज प्रपोजिंग टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस इन मुंबई। अब मुंबई में वो बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती है इंडिया इंडिया में। इट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर इन जर्मन लैंग्वेज। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो जर्मन लैंग्वेज में। वेदर जैक्सन एंड जैक्सन एलएलसी कैन फाइल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार इन द सेम लैंग्वेज। क्या जैक्सन एंड जैक्सन एलएलसी रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट दे देंगे जर्मन लैंग्वेज में? नहीं भाई, वो ट्रांसलेट करवाएंगे ना इंग्लिश में, ये तो हमने पढ़ा है। चलिए देखते हैं। एवरी फॉरेन कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस बिजनेस रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को देने होते हैं एज पर कंपनी एक्ट 2013। फर्दर, अगर ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट जो है अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो उसको सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से सर्टिफाइड मतलब ट्रांसलेट कराना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज वाली कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को दे देंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन और ये लास्ट क्वेश्चन है। स्विफ्ट फार्मास्यूटिकल्स अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। सिंगापुर में ये कंपनी रजिस्टर्ड हैज स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में बिजनेस शुरू कर दिया है 2016 के फाइनेंशियल ईयर से। द कंपनी हैज सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार विद इन द ड्यू डेट। सारे के सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को दे भी दिए विद इन ड्यू डेट। ऑन मार्च 2023 स्विफ्ट फार्मास्यूटिकल्स हैज शिफ्टेड इट्स प्रिंसिपल ऑफिस इन सिंगापुर। मार्च 23 में उसने अपना प्रिंसिपल ऑफिस सिंगापुर में शिफ्ट कर लिया। डज द कंपनी रिक्वायर टू अंडरटेक एनी स्टेप्स ड्यू टू चेंज इन एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस? क्या कंपनी को कुछ करने की जरूरत है क्योंकि उसने अपना प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस ही चेंज कर लिया है? तो अब सारे प्रोविजन बताइए। सेक्शन 380 प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी अल्टरेशन इज मेड और अकर्स इन द डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार द फॉरन कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ सच अल्टरेशन डिलीवर टू द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर अ रजिस्ट्रेशन अ रिटर्न कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द अल्टरेशन फॉर इन द प्रिस्क्राइब। भैया 30 दिन के अंदर कोई भी अल्टर किया है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो तुमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिए थे रजिस्ट्रार को, तो आप जो अल्टर कर रहे हो उसको 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा से दे दो रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें वो सारे के सारे उसी फॉर्मेट में होने चाहिए जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं पहले। नाउ द कंपनीज रूल 2014 हैज प्रिस्क्राइब दैट द रिटर्न कंटेनिंग एंड पर्टिकुलर द फॉर्म्स अल्टरेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म FC2 फॉर्म फाइल करना है जिसमें अल्टरेशन की डिटेल दोगे विद प्रिस्क्राइब फीस, उसकी फी भी पेमेंट होगी अकॉर्डिंगली। स्विफ्ट फार्मास्यूटिकल्स इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द फुल एड्रेस ऑफ द न्यू रजिस्टर्ड और पुलिस ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी बाय मार्च 30 2023। 30 मार्च 2023 तक इस कंपनी को पूरी की पूरी फुल एड्रेस के साथ नए रजिस्ट्रेशन नए रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रिंसिपल ऑफिस का डिटेल सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो हेल्प हो ही रही होगी इन सारे वीडियोस से। मैं जो ये एफर्ट लगा रहा हूँ उसका कुछ तो बेनिफिट मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से भी शेयर करना जिनको लगता है कि भाई ये वीडियोज़ काम की है, और कमेंट तो कर ही देना। अगर नहीं भी आ रही है काम में तो थोड़ा सा एफर्ट लगा देना कमेंट करने में जिससे मेरी इम्प्रूवमेंट हो सके, होपफुली कि आगे की कुछ सब्जेक्ट्स में जो मैं प्लान कर रहा हूँ तो उसमें वो काम आएगी आपका जो फीडबैक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे अब आगे के जो अदर लॉज हैं उसके चैप्टर्स भी। यहाँ पर आपका कंपनी लॉ फिनिश हो गया है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। बाय बाय।